आपको मैंने देखा भाई बहुत दिनों बाद। गाड़ी अभी कुछ महीने पहले मैंने ली है अभी। अच्छा, और ये डिजाइन मैंने बताया ना आपको, डीसी टू से डिजाइन की है पूरी गाड़ी। गाड़ी के ऊपर ये थार है डीसी मॉडिफाइड, और मेन जो इसका सबसे ज्यादा जो अट्रैक्टिव जो है पार्ट वो ये है। ये तो सर ये रात में भी दिन कर देते हैं। तो यार बहुत बहुत वेलकम है तुम्हारा इस मिहिर गलत के नेक्स्ट एपिसोड में। मेरे सामने यहाँ पे ओनर है सर, आपका नाम क्या है? विपिन। मैं पहले ना विपिन सर के बारे में बताना चाहूंगा। विपिन सर आप इससे पहले कभी यूट्यूब पे नहीं आए? नहीं, कभी नहीं आए। बस इन्होंने मुझे पहले कभी यूट्यूब पे देख रखा था कि मैंने गाड़ियों की वीडियो बनाई है, काफी बार देखा है, इसीलिए सर मतलब मेरे साथ अलाउ हो गए, वरना मुझे लगता है सर किसी का अलाउ करते हैं ऐसे। आपको देखा है, मैं जानता हूँ किसी थ्रू यूट्यूब, हाँ, इसलिए मैंने कहा कि नहीं। और सर मैं आपको बताया तो ये थार जो है ना इतनी वायरल चल रही है क्योंकि एक बंदे ने, मैंने उस बंदे से कॉन्टेक्ट किया था यहाँ पे आपके एड्रेस जानने के लिए, उसने रील डाली, आपने देखी होगी ना? मैंने वो रील, तुम लोगों ने भी देखी होगी। ये है डीसी से मॉडिफाई हुई थार, ठीक है? और सर इतने अच्छे सर ने हमें अलाउ किया कि ठीक है आपको वीडियो आ रही है, वीडियो बना लो। सर पहली चीज तो यार आपको थैंक यू बहुत सारा, क्योंकि लिटरली ये थार ना मैंने नहीं देखी सर। अगर मैं आपसे बात करूं, आपको याद है आप जो वीडियो में बात कर रहे हो, हमने एक बार वीडियो आई थी 4 से 5 साल पहले इंदौर में, जो कि डीसी से ही मॉडिफाई थार थी, पर उसका लुक और प्रेजेंस काफी अलग था, येलो कलर में, पर ये काफी अलग है। सर जरा आप स्टार्टिंग से स्टोरी टेलिंग कर दे, अब आपकी बात ये बोलने की, ये थार आपने कब ली, क्या सीन था इस थार का और ऐसा लुक क्यों है इसका? गाड़ी मुझे अभी कुछ महीने पहले मैंने ली है अभी। अच्छा, और ये डिजाइन मैंने बताया ना आपको, डीसी टू से डिजाइन की है पूरी गाड़ी से, हाँ ठीक है ना, और गाड़ी की लुक सब कुछ आपके सामने ही है। हाँ, जो हाँ, काम किया है डीसी ने, ठीक है। और ये किससे लिया आपने ये गाड़ी? बेसिकली जो ऑनर थे वो किंग है राजस्थान के, वही, और उन्हीं के ऑनरशिप में गाड़ी है फिलहाल अभी, अब मैं इसको ट्रांसफर कराऊंगा अपने नाम। हाँ हाँ, और आपके काफी अच्छे मित्र हैं वो। हाँ, अच्छे नोन है उनको, उसे गाड़ी ली है मैंने ये, और हाँ, अब ये गाड़ी जो है अब दिल्ली में ही है, अब तो हाँ, अब दिल्ली में रहेगी, अब मेरे पास ही रहेगी गाड़ी। पर सर मुझे ऐसा लग रहा है दिल्ली की शान बढ़ गई है इस गाड़ी के साथ, ठीक है? तुम देखो कहीं, मतलब मुझे सर पहले से में लग रहा है ये इंपोर्टेड थार है कोई, बिल्कुल ठीक है लिटरली। सर आप जरा पब्लिक को बताएं, आप थोड़ा शाय हो रहे हैं मुझे लग रहा है, क्योंकि फ्लैश भी सामने आ रहा होगा ना आपके, फ्लैश से बंदा थोड़ा सहज हो जाता है ऐसे, कोई नहीं। सर ये थार जितने की आती है, मान लीजिए थार अभी 18-20 लाख के अराउंड आती है, है ना? आप मुझे कह रहे थे ऑफ कैमरा कि ये थार में उतना ही पैसा लग गया है? बिल्कुल, जितने की कॉस्ट है गाड़ी की थार की, हाँ, उससे ज्यादा पैसे इस गाड़ी की मॉडिफिकेशन में। अच्छा, उससे भी ज्यादा पैसे? तो सर एक बार आप थोड़ा डिटेल बताएं कि आपको कैसे गाड़ी पसंद आई, सर अपने बारे में बताएं, क्योंकि मेरा तो रिएक्शन आपको पता लग रहा है काफी अच्छा है, मतलब। और थोड़ा सा देखो नॉइज आ रही होगी, थोड़ी मेन रोड है, क्योंकि सर यार इतना टाइम भी नहीं सर का, सर को अपने काम पे भी जाना है, ठीक है। सर ये गाड़ी जो आपने पहली बार देखी, तो क्या समय था, क्या वक्त था, जरा आप एक्सप्लेन करें। गाड़ी फर्स्ट टाइम देखी है ना, जो आपको लग रहा है उसको देख के, हाँ, तो समझ जाइए मुझे क्या लगा उसको देख के। अरे वाह, बस इसको देख के ये लगा कि ये गाड़ी चाहिए। हाँ बस, और उसी दिन मैंने सेम डे ये गाड़ी दिल्ली ले आया। आपने दिल्ली ले आए? ये गाड़ी देखते ही मेरे को समझ में आ गया था कि ये गाड़ी मेरे लिए बनी है। अच्छा, मैं खुद गाड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा क्रेजी हूँ। हाँ, और मुझे बिल्कुल गाड़ियाँ अच्छी होती हैं जो बिल्कुल डिफरेंट हो। हाँ, और बहुत रोड पे जो गाड़ियाँ उस तरह की ना दिखे, ना दिखे, बस उस तरह की गाड़ी हो जो बिल्कुल अलग दिखे। एक तो यार पता नहीं इतना क्यों हॉर्न मार के चलते हैं लोग। कोई नहीं यार, यहाँ पर थोड़ा ऐसा है बाकी। अच्छा, तो सर आप सेम डे मतलब ये थार ले आए है ना, तो आपने पेमेंट वगैरह उस वक्त ही कर दी थी कि? सब ऑल क्लियर। अब मैं सर जानना चाहूंगा इस थार के बारे में, ठीक है? जरा आप मुझे अपने तरीके से एक्सप्लेन करें सर, क्योंकि ये ओनरशिप रिव्यू है, ठीक है? आप जरा बताएं इस गाड़ी के बारे में कि क्या सर इस गाड़ी में क्या मॉडिफिकेशन हुआ है, जरा सा आप बताएं। देखिए मॉडिफिकेशन पूरा इसका, तो एक्सटीरियर जो है पूरा ये डीसी टू ने पूरा सेटअप किया है। हाँ, ये बम्पर वगैरह, हाँ, इसके ग्रिल्स देखिए, इसका बोनेट, और ये ओल्ड थार लग रही है मुझे। नहीं, ये न्यू, हाँ ये इसी साल की है। अच्छा, इसी साल की है ये? अच्छा, ये नई वाली थार को किया है ऐसे? हाँ, अरे वाह यार, नहीं था, नहीं, ये अभी इस साल का ही मॉडल है। अच्छा, और आपको एक महीने हुआ है इसको? इंजन है 4x4। अच्छा, और जो न्यू शेप अभी लॉन्च हुई है ना। हाँ हाँ, ये अभी इसी साल का ही मॉडल है 22 भाई। अच्छा, हाँ, ओके, हेलो हेलो, कैसे हो? आपको मैंने देखा भाई बहुत दिनों बाद। तुम ये बताओ मुझे पहले, थार तुम्हें कैसी लग रही है? बहुत बड़ी लग रही है। ये थार तुमने कभी देखी है दिल्ली में ऐसे? दिल्ली में छोड़ो, भारत में देखी है ऐसी? लिटरली काफी क्रेजी नहीं है? चलो हम तो मिलते रहेंगे। मैं सर के लिए आया यार, इनकी गाड़ी है। आपको मैंने देखा जा रहा था मैं स्कूल से। अच्छा अच्छा, ये डलेगा ना ब्लॉग? हाँ ये डलेगा, क्यों नहीं, मिहिर गलत पे डलेगा ये, ठीक है? ओके, चलो ओके। हाँ तो यहाँ पे जैसे ये देखो, सर ने यहाँ पे कुछ दबाया और यहाँ से इंडिकेटर्स वगैरह है इसके, है ना? जैसे मैंने ऑन भी करता हूँ तो इसकी लाइट्स, ओके, कुछ इस तरीके से लाइट्स। हेलो, अभी मैं थोड़ा शूट कर रहा हूँ आपसे, करता हूँ बात।
तो ये इस तरीके से कुछ लाइट्स हैं और यहाँ पे जैसे मैंने बताया ओरिजिनल कार्बन फाइबर है। ये हुड पूरा डीसी ने डिजाइन किया है, ये अपना बोनेट बम्पर वगैरह सब मिक्स कर दिया इन्होंने कैसे। अरे वाह, हाँ यार, मेन लुक तो पीछे से है, ठीक है, इसकी जो लाइट्स हैं, टेल लाइट्स हैं, सब कुछ चेंज किया हुआ है। हाँ सर, एक बार आप इसको चलाएं, ये देखो भाई, ये कुछ मैट्रिक्स वाली टेल लाइट्स है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ आगे से, ये देखो। अब ये अच्छा कुछ इस तरीके से इसका डिजाइन है, ये भी देखो, ये टेलर से मिल जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 26 इंची फ्यूल के ये पूरे एलॉयज है और टायर इतने ज्यादा मैसिव है, देख रहे हो, 80 टायर होगा सर ये, ऑल टेरेन टायर, क्या बोलते हो आप? ऑल टेरेन लग रहा है मुझे। और बाकी क्या बात है, सबको देखो, मुड़ मुड़ के बंदे आ रहे थार देखने, यार क्या बात है। हाँ, इसका जो इंटीरियर है, हाँ जी हाँ जी, फुल गलत। ओह सर, कितने लोग जानते हैं यार इधर। हाँ सर, आप बताएं। इंटीरियर में भी देखिए, इसका पूरा जो सेटअप किया हुआ है, ये इसके सीट्स, इसके मैट्स, सब चीजें, इवन जो इसकी पैनोरामिक सनरूफ है। ओके ओके, पैनोरामिक सनरूफ, ये मुझे लगता है सर, ये आप मुझे दो तीन में बताना चाह रहे थे, मैंने इग्नोर कर दिया था इस बात को। रूफ इसका फ्रेश लगा हुआ है। अच्छा, रूफ फ्रेश लगा हुआ है, पैनोरामिक सनरूफ है, इवन जो इसकी लाइट्स दी हुई है। हाँ हाँ, मैं उस तरफ से देखा, रुको मैं उस तरफ से दिखाता हूँ यार, ये चीज देखने लायक है, ये देखो, इवन जो इसमें लाइट्स दी हुई है सारी, जो अच्छा ये स्टार लाइट्स, ओ तेरी। अरे ये नहीं दिखाया आपने, एक बार मैं इसमें बैठना चाहूंगा यार, एक मिनट। अच्छा, ओ तेरी, ओके, तो ये कुछ लाइट्स हैं, इसके अलावा जो और एक्सटर्नल लाइट्स दी हुई हैं। अच्छा, ये सारी सेटिंग्स हैं यहाँ पे, ये देखिए सारी सेटिंग्स। ओके, इवन जो आगे आप देखेंगे डैशबोर्ड पे देखेंगे, ये देखिए, अरे वाह, ये लाइट सेटअप होती है। और मेन जो इसका सबसे ज्यादा जो अट्रैक्टिव जो है पार्ट, वो ये है। ये तो सर, ये रात में भी दिन कर देते हैं लिटरली, बहुत। और ये पता है, ये जितना स्ट्रॉन्ग है ना ये गाड़ी, अंदर जैसे बाहर से लग रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग है, अंदर बैठ के लग रहा है ठीक है, मतलब इस तरीके से इसको एम्बियंस के मुकाबले किया गया है, इसको हिसाब से लग्जरी सेटअप भी किया हुआ है गाड़ी को। और थार तो थार है ही है, पर सर मुझे लग रहा है आप एकदम नहीं तरह ही हो, बोलते ना कि आपको पहली बार पसंद है, आपने बोला कि मैं और कुछ देखूँ, मुझे गाड़ी चाहिए ही चाहिए। सर मैं एक और चीज बोलता हूँ, मैंने जितनी भी डीसी मॉडिफाइड चीजें देखी है ना गाड़ियाँ, उन सब में वो ऐसे कंट्रोल्स देते ही देते, मतलब इनकी निशानी है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ भी इवन उस साइड भी, अच्छा, फ्रंट से भी हर जगह से कंट्रोल इसके सब सेटअप किए हुए। ओके, पीछे बैठे हैं तो पीछे से भी हम उस पूरा कंट्रोल। और सर एक और चीज कि थार में पहली बार हम पैनोरामिक सनरूफ देख रहे हैं, बिल्कुल कभी नहीं आया ऐसे, सनरूफ ही नहीं आया शायद यार, ये सनरूफ आया है, सनरूफ लोग लगवाते हैं अलग से, लग जाती है, बट थार में वैसे नहीं आती ना कंपनी से। हाँ वही, ये कि काफी काफी, ये देखो, नहीं सर मैं बोलता हूँ लाइट जलाइए, लाइट के साथ बड़ा अच्छा लग रहा है, ये देखो इस लाइट के साथ, और पैनोरामिक सनरूफ, या मतलब किसने सोचा था कि थार में कुछ ऐसा फील हो सकता है। और यहाँ पे सर कुछ और करना चाह रहे हैं, ओके ओके, अच्छा खुल भी जाता है ये, वाह यार ये देखो, ये खुल भी रहा है सनरूफ, यहाँ पे प्रॉपर डीसी ने कमाल कर दिया है। पर सर स्टार लाइट्स भी देख पा रहा हूँ यहाँ पे मैं, ये स्टार लाइट भी इसमें यहाँ से एक्सटर्नल वो दिया हुआ है। ये सर अगर मैं बताऊँ आपको, फ्रैंकली 150 वाली होती है ये, एक्सटर्नल बाद में ऑनलाइन बाय किया हुआ वो मैंने। अच्छा, आपने किया है, ओके, लेकिन इससे एम्बियंस बहुत अच्छा आ रहा है, इससे ये कि ऊपर थोड़ा सा है। हाँ ये बात तो है, बाकी देखो यहाँ पे चार्जिंग के प्रॉपर प्लग्स वगैरह सब कुछ है, और पीछे बैठने के लिए भी काफी कंफर्ट, रिक्लाइनर सीट्स है शायद, हां लेकिन स्पोर्ट्स वाली सीट्स अलग अलग करके जो है, पूरा सिस्टम जो है पूरा बॉस का सेटअप किया हुआ है। अच्छा, इसमें पूरा पीछे जो है बेस ट्यूब, इसके एम्प वगैरह पूरा सेटअप। मेन क्या है सर, का इतना टाइम नहीं जो हम यार प्रॉपर म्यूजिक सिस्टम वगैरह सुनाए तुम्हें, तुम खुद अंदाजा लगा लो कैसा होने वाला है, ठीक है, बढ़िया ही होने वाला है। ओके, ये अपनी ये एम्प है, वो दिखाना चाहता हूँ लोगों को, ये जो लाइट साथ जलती है, हाँ ब्रेक लाइट, एक बार जरा आप वो दिखाएं, लिटरली भाई जैसे बोलते हैं ना कि धन्य हो गया भाई ये गाड़ी देख के। और उधर भी देख लो काफी बच्चा, हाँ कैसी लग रही है गाड़ी, सही लग रही है, फुल गलत, फुल गलत, क्या बात है यार, बच्चों का बड़ों का सबका प्यार है, काफी अच्छा लगता है। ये देखो कुछ इस तरीके से इसका लुक है, देख रहे हो कुछ इस तरीके से, मतलब पूरी लाइटिंग सा कमाल किया हुआ है, ठीक है, और काफी काफी सही सर मुझे। अच्छा यहाँ भी देख लो, यहाँ भी कार्बन फाइबर का पूरा काम किया गया है, मतलब क्रेजी यार क्रेजी। सर मैं बोलता हूँ आइए अंदर बैठते हैं,
और ज्यादा मतलब हमने बात करी ली इस गाड़ी के ऊपर। ये थार है डीसी मॉडिफाइड, सही लग रही है चीज गाड़ी, कैची एकदम चटक। या बेटे मास्क तो निकाल ले, तेरी शक्ल तो दिखाऊं जनता को। छोड़ लगा ले, लगा ले। चलो एंजॉय करो बाल को, ठीक है मजे करो। चलाने में तो कुछ डिफरेंस नहीं होगा ना, इंजन तो वही है सेम, इंजन सेम है, कोई चेंज नहीं, इंजन सब सेम है, चेसिस सेम है, जो मॉडिफिकेशन है वो तो आउटर और इंटीरियर मॉडिफिकेशन है। ये देखो यहाँ पे भी प्रॉपर कार्बन फाइबर काम किया गया, स्पोर्ट सीट प्रॉपर इंस्टॉल करी है, ठीक है। आओ अब इसमें बैठते हैं, सर को चलाते हुए हम एक शॉट लेंगे। और जगह जगह जो तुम कार्बन फाइबर देख रहे हो ना, ये सब ओरिजिनल है, यहाँ पे कोई रैप कोई हाइड्रोडिप वाला मामला नहीं है। सर लाइट जला के एक बार चलाए ना, मजा आएगा। लाइट, ये लाइट जो है ये वाली, हाँ एक बार, हाँ ये लाइट भाई तुमने देखा नहीं ना, ये देख, देख रहे भाई, क्रेजी यार, क्रेजी। मुझे तो देखो कितना खुशी हो रहा है ना कि सर वेस्ट दिल्ली के हैं, लिटरली यार, मतलब वेस्ट दिल्ली की सर मुझे लगता है शान बढ़ गई अब, ठीक है। जो मजा सर लग्जरी गाड़ियों में नहीं आता ना, जो आप लग्जरी गाड़ी में क्या पैसा फेंको तमाशा देखो, है ना, आपने पैसा फेंका, आपको उस टाइप की गाड़ी जो कि हर किसी को मिल जाएगी, जो मजा बिल्ड करने में आता है। अब आपने क्या, चलो आपको तो अगर आपको पहले आइडिया होता है डीसी से कुछ ऐसा मॉडल वगैरह है जो आप मॉडिफाई करवा लो, आप करवा लेते, मतलब आप होल पे शौकीन, आपने अपनी इशूज़ को भी ऐसी तैयार किया हुआ है ना, आपको पता नहीं था वो तो आपने खरीद ली, ठीक है। पर आपको शौक इतना ज्यादा है, मतलब एक होता ना कि बिगअप्स बिगअप्स तो सर, और वेस्ट दिल्ली यार, वेस्ट दिल्ली वालों देख लो, तुम्हारे एरिया में थार कभी तुम्हें थार दिखे, सर को रोक के फोटो वगैरह नहीं खिंचवा रही ऐसे कि क्या पता कभी जा रही, क्योंकि बहुत बहुत बिजी रहते हैं ये, इनका बहुत बार ऐसा हो गया है गुड़गांव से आते वहां, तुम्हें बताया होगा जैसे वो दूसरे व्लॉग में पासपोर्ट चैनल हम शॉर्ट पकड़े थे ना, वो जब गुड़गांव से आते कोई बंदा ऐसे वंडा से निकल के थम्सअप करने के लिए इतना बाहर निकल गया। तो अपना ख्याल रखना, कभी गाड़ी दिखे, गाड़ी दिख जाएगी तुम्हें वेस्ट दिल्ली में, वेस्ट दिल्ली में क्या दिल्ली में दिख जाएगी, कभी दिखे तो डिस्टर्ब ना करना, क्योंकि यार अगले की प्राइवेट पर्सनल लाइफ भी है, है ना, ऐसा अच्छा लगता। बाकी चलो अब एंड करते हैं वीडियो को, ज्यादा खींचने का मतलब नहीं है लेकिन मजा आ गया लिटरली, चलो एंड करते हैं। सबसे मेन, अगर तुम लोगों का कोई ऐसी गाड़ी है मेरे इंस्टाग्राम में आ जाओ यार, मुझे फॉलो करो मेरी इंस्टा आईडी को masterbuilder_, ठीक है। और उसमें क्या, मैंने बहुत तगड़ी एक रील बनाई है, वो रील भी आ जाएगी, वीडियो से पहले ही आ गई होगी शायद यार, और रील को भी जरा लाइक वाइक वायरल कर देना, और लाइक सब्सक्राइब शेयर। बाकी तुम लोग अगर गाड़ी हो अगर ऐसी खतरनाक सी मॉडिफाई तो यार मेरे इंस्टा आगे मुझे पोस्ट करता हूँ, फोटो वोटो भेजना उसकी, नेक्स्ट वीडियो तुम्हारी गाड़ी सब बनाएंगे। और सर ये पता नहीं यहाँ पे अंदर आए, मैं नॉइस कैंसिलेशन बहुत तगड़ा है इसका, ऐसा लगता है मैं हॉल में बात कर रहा हूँ, फील नहीं थोड़ा, हाँ मतलब ऐसा ऐसा फील आ रहा है कि मैं हॉल वॉल में बात कर रहा हूँ, पता नहीं सर। एक मेरे साथ आपको बोलना पड़ेगा, मतलब मुझे अच्छा लगेगा एक ऐसे बोलिए, तो यार मैम ही गलत, आपका नाम क्या था, हाँ चलो मैं बोलता हूँ, तो यार आप बोलिए विपिन, मैं बोलता हूँ मिहिर गलत, okay. तो यार मैं मिहिर गलत, विपिन गलत, नहीं विपिन नॉर्मल, विपिन विपिन, ओके ओके। मिलते हैं अगली वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड बाय, साइनिंग आउट।